शाम के 4:30 बज चुके हैं और अब वक्त है हमारे स्पेशल शो ट्रिपल आर का। यहाँ चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी और वो भी रेल, रोड और रिक्शा के जरिए। कैमरे के सामने देश की जनता होगी और जवाब पूरा हिंदुस्तान सुनेगा कि अब की बार मोदी सरकार या फिर कोई और। बनारस की गलियों से निकलकर जनता जब ईवीएम का बटन दबाने के लिए जाएगी तो 4 जून को ऐसी तस्वीर दिखेगी जिसे आपने कभी महसूस भी ना किया हो। काशी के दिल में सियासत है, यहाँ का मिजाज राजनीतिक है और जब सामने कैमरा और माइक हो तो वाराणसी के ज्ञान का भंडार अपने आप फफक कर बाहर निकल पड़ता है। राहुल गांधी का विकल्प जो है वो समझ में नहीं आता हमारे। जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय बीजेपी के साथ ऐसा ही हो रहा था, इसलिए ये सब इलेक्शन का पार्ट है। दीदी ओके खराब खराब खराब। सांस्कृतिक और धार्मिक लिहाज के साथ सियासत में काशी की पहचान पूरी दुनिया जान चुकी है। आज एबीपी न्यूज के चुनावी शो ट्रिपल आर का पड़ाव भी काशी है, जहां मां गंगा की गोद में पहुंचे श्रद्धालु बताएंगे कि 24 में किसकी सरकार बनाएगी। ओनली मोदी हिंदू जाग चुका है। मोदी 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 तो आइए बनारस की तंग गलियों से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक के सफर और जनता के मूड मीटर को देखते हैं। नमस्ते, मैं हूँ स्नेह लता। शो का नाम ट्रिपल आर। ट्रिपल आर बोले तो रोडवेज, रेल, रिक्शा। अब हम आपको लेकर के जहाँ आए हैं उसकी खासियत के लिए इतने साहित्य, इतनी कहानियाँ और अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। ऐसा बनारस, वैसा बनारस, कैसा है बनारस? और जब बनारसियों से आप बात करेंगे तो मुंह में पान और ढेर सारा ज्ञान, यही है गुरु बनारसी की पहचान। आप भी आदत डाल लीजिए, पूरे शो में ऐसे ही बात करते लोग मिलेंगे। स्नेहलता यहीं से शुरुआत कर रही है, रिक्शा चलेगा गदौलिया तक। शुरू करते हैं आज का सफर। दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं इस बार? प्रधानमंत्री चुनाव मोदी वाला चल जाएगा, निकल जाएगा, बदलाव करेंगे? मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ने कुछ तो अच्छा किया है ताकि मोदी मोदी चल रहे हैं। अब वो तो कोई जरूरी नहीं कि कोई 100% करेक्ट हो, बट समवेयर उन्होंने बहुत किया है देश के लिए। झाड़ू के बारे में आपकी राय क्या है केजरीवाल जी के बारे में? केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए बहुत किया है, नो डाउट। उन्होंने दिल्ली का बहुत अच्छा काम किया, बट अब मुझे नहीं पता सेंट्रल में वो आ पाएंगे कि नहीं। बनारस में मोदी जी आ रहे हैं, दिल्ली में मोदी जी आ रहे हैं, बनारस में मोदी जी जीत के जाएंगे, यहीं चुनाव लड़ेंगे, संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, पक्की बात है। बगल में मुख्तार की जेल में मौत के बाद से माहौल नहीं बदलेगा? कोई माहौल नहीं बदलेगा, वो तो पहले से भी जीतना उनका तय था। हाँ जी, क्या पूछ रहे? नहीं नहीं बैठेगा, सब मोदी को भी लगा। कांग्रेस भी आ सकता है, मोदी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, किसी का भी। बीजेपी में जो ये कांग्रेस के नेता भर भर के शामिल हो रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं वॉशिंग मशीन है क्या कि उधर जा रहे हैं और सब सही हो जा रहा है? पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब देखिए, अब कुछ बड़ा अभी अब एक चीज बस यही पता चलता है कि इलेक्शन आने से पहले बहुत सारे अपोजिशन पार्टी के जो भी लीडर्स हैं वो जेल में चले जा रहे हैं। अभी रिसेंटली अभी अरविंद केजरीवाल जी जो है वो चले गए। जब भी ऐसा इलेक्शन आता है तब हर बार होता है, जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय बीजेपी के साथ ऐसा ही हो रहा था, इसलिए ये सब इलेक्शन का पार्ट है कि ये सब होगा। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जेल में है। राजनीति के दाव पे सब अलग है, सबके लिए अलग होते हैं, अब वो अपने राजनीति कर रहे हैं, हम लोग का तो अलग ही राजनीति चलता है। मोदी जी के साथ है कि ममता दीदी के साथ? दोनों के साथ है। ममता दीदी प्रधानमंत्री बनेंगी? ममता दीदी काम करेंगे तो ममता दीदी बनेंगी। आपसे बेहतर कौन बताएगा क्या काम कर रहे हैं? काम तो कर ही रही है। ममता दीदी बन सकती है प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैडम जो राम को लाए हैं वही तो प्रधानमंत्री बनेंगे। ममता दीदी प्रधानमंत्री? ओनली मोदी हिंदू जाग चुका है। ममता दीदी प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो वही बनेगा जो पब्लिक चाहती है। पब्लिक क्या चाहती है? हर घर मोदी मोदी मोदी
अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी? सिर्फ नरेंद्र मोदी। अरविंद केजरीवाल? नरेंद्र मोदी प्रिय मोना कंपलसरी है। नरेंद्र मोदी कंपलसरी बोलते उन्हें आना चाहिए सब लोग नरेंद्र मोदी की। राहुल गांधी? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी होना लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी ममता दीदी कावाली नरेंद्र मोदी कावाली अनु नरेंद्र मोदी कावाली ममता दीदी को बना दिया जाए प्रधानमंत्री? नहीं, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी? अभी कलकत्ता में कितना बवाल, कितना औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया है मोदी। 400 पार, कोई कोई काम की नहीं, कुछ नहीं, कुछ सवाल ही नहीं उठता है। मेरे सांसद जो है वो अभी बहुत मस्त से जीतेंगे, रविशंकर प्रसाद पटना से। नीतीश नहीं आए तो नहीं जीत पाएंगे क्या? क्यों नहीं जीतेंगे? साथ ले ले। अब सबको साथ लेके चल रहे, देख रहे उधर गठबंधन चल रही है, सबका साथ सबका विकास उनको लेके चल रहे हैं। जी बहुत कुछ चल रहा है आपके बिहार में भी। पप्पू यादव आ गए कांग्रेस में, पटरी खाएगी उनकी? अभी देखिए, अभी तो नीतीश कुमार का ही पलटना बाकी है, बाकी तो समय बताएगा। पलट के बीजेपी में आने से बिहारी क्या सोचता है, ठीक किया गलत? गलत ही है बाकी और क्या, हम भी नुकसान ही है। लोकसभा में तो नहीं लेकिन विधानसभा में फिर नुकसान ही है। अभी इस बार वोट मोदी जी का चेहरा देख के या नीतीश कुमार की वजह से वोट किया जाए? नीतीश कुमार की वजह से। देश में शराब बंदी हो जाए तो कैसा रहेगा? बिहार के लोग बहुत परेशान है क्योंकि यूपी से शराब ऑलरेडी आता है, फिर उधर से झारखंड से आता है। ये अच्छा काम किया उनने लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए नुकसान है, बाकी तो ठीक ही है। बिहार में बाहर है? हाँ एकदम है। 4500 सीट पाके नीतीश कुमार? नहीं, अब दूसरा आने वाले हैं। कौन आएगा? चिराग पासवान। चिराग आ जाएंगे सीधे? निकल जाएगी सीट? हाँ निकलेगी। चाचा विरोध में लड़ जाएंगे तो कौन जीतेगा? अब चिराग ही जीतेंगे। असली कौन है? असली चिराग है मेरे लिए। पारस? पारस नकली है। पारस नकली है, चिराग असली है। हाँ। नीतीश कुमार के साथ कहाँ आ जाते, वो तो पलटी मार लेते हैं। वो तो पलटू चाचा है ये है ना। चाचा की जरूरत पड़ रही है मोदी जी? अब पता नहीं कहाँ बुला रहे हैं बार बार, जो एक बार भाग गया उसको बुलाना ना चाहिए। मोदी जी से हम यही कहें, तौलिया से एक ही जरिया है, आइए पैदल और चलिए घाट की ओर। 80 घाट की तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ते लोगों से पूछें कि आने वाले वक्त में किसे चुनना चाहते हैं। भोलेनाथ के दर्शन के लिए बकायदा लाइन इतनी लंबी है, कहाँ से आई हैं? हाँ, हाँ। मधुबनी जिला से। मधुबनी बिहार से आ रही हैं? हाँ। बिहार में सब कैसा है? ठीक है। नीतीश कुमार अच्छा कैसे हैं? बहुत अच्छा। हाँ का बाबा? मोदी अच्छा है। हाँ नीतीश? नीतीश तो हिल डोल कर रहा है पूरा। ये देखिए बिहार से आई सब लोग, आप लोग एक साथ हैं क्या? सब लोग हम बिहार का है, थक गए हैं। हाँ सब घूमने आए हैं। मोदी जी अच्छे हैं कि नीतीश अच्छे हैं? मोदी जी अच्छे हैं। नीतीश? नीतीश है अच्छा, महत्व मोदी जी सबसे ऊपर है। हाँ उनका बोली तो भाषा रॉन्ग है, नीतीश का सबसे पहले भाषा रॉन्ग। अरे जानकार निकली, अच्छा नहीं लगा? इसलिए नहीं अच्छा लगा, हम लोग के लिए तो एकदम से बकवास है। का हुई बिहार में का हुई चाची? हाँ मोदी जिंदाबाद, यही होगा बिहार में। और नीतीश आ गए हैं साथ में, ठीक हुआ कि नहीं? अरे नीतीश की तो कामे वही है, इधर से इधर घुसकता रहता है बार बार। नीतीश क्या है, मोदी जी अकेले लड़ जाते, नीतीश के साथ कहाँ लड़ रहे हैं? मोदी जी नहीं गए होंगे, नीतीश ही गए होंगे उसके पास। सही बात है चाची। हाँ सही बात है। आंध्र से आए हमें, ये है ना मोदी बना रहे ना, हमें चार बार आया, ये आए ना चार बार आया, कुछ नहीं इतने बना रहे ना, इसलिए देखने के लिए आया। बहुत तकलीफ है बूढ़े वाले को, बस कट है ना उनको फ्री दर्शन, क्या है फ्री दर्शन, दर्शन के जाने दे बाहर पाओ, मैं गिर गया, वो अच्छे नहीं है। लोगों को सभी लोगों को फैसिलिटीज करना चाहिए। कहाँ से आए बाबा? बिहार से। बिहार से? मधुबनी जिला। जनकपुर? अच्छा बिहार वाले भैया लोग ये बताइए, ठीक है व्यवस्था? बहुत व्यवस्था ठीक है। बिहार में सब कैसा व्यवस्था? सब ठीक ठाक है। आपके यहाँ तो नीतीश कुमार हैं? हाँ। और नीतीश कुमार किस ओर हैं? किस ओर? बीजेपी के साथ है। रहेंगे? हाँ बीजेपी के रहेंगे, रहेंगे बीजेपी के साथ रहेंगे। वो गठबंधन लड़ा के तेजस्वी लड़ रहे हैं? कुछ नहीं, डाउन फॉल हो गया, डाउन फॉल हो गया। और चिराग बढ़िया है कि वो बढ़िया, उनके चाचा पारस को मिलेगा समर्थन, चिराग पासवान को मिलेगा? ममता दीदी ओके? खराब खराब खराब। पूरा मोदी मोदी भालो, मोदी भालो भालो भालो। राहुल गांधी? राहुल गांधी खराब
खराब बंगाल में ममता दीदी नहीं 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 मैं कम्युनिस्ट है मैं सीपीएम करता हूँ और मोदी जी नहीं नहीं राहुल गांधी नहीं तब कौन हमारा कम्युनिस्ट है सीपीएम से जो है वही है ममता भालो मोदी मोदी भालो कोई कह रही है ममता भालो मोदी भालो कौन भालो आइए पता लगा लो बनारस आए और गंगा मैया के दर्शन ना करें उन्हें ना देखे तो अधूरा सा लगता है तो जम्मू वाले विश्वनाथ और दर्शन के लिए आए हैं कैसे हालात वहाँ कैसा है आपके साथ में इस वक्त तो बहुत बढ़िया है जी जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया फिर से इलेक्शन आ रहा है आप लोग कश्मीर वाले क्या सोच रहे हैं कुछ नहीं फिर से मोदी सरकार आएगी और कौन आएगा पक्की बात है बिल्कुल बिल्कुल ओके मोदी सरकार आएगी कश्मीर से विश्वनाथ तक की आवाज आ गई बिल्कुल जी हाँ जी क्या आंटी क्यों जीतते हैं केजरीवाल लाइट बिजली देनी नहीं चाहिए नहीं देनी चाहिए नहीं, अपने मेहनत से कमाओ हम हिसार हरियाणा से आए अच्छा हरियाणा वाले क्या सोच रहे हैं ये सीएम आप लोग के खट से बदल गए हैं इन मोमेंट पे ठीक हुआ ठीक हुआ या नहीं नहीं हुआ वो भी ठीक थे 10 साल से ये भी ठीक थे वो भी बहुत अच्छे थे हाँ जी अपनी उन्होंने सारी प्रॉपर्टी दान में दे दी खट्टर साहब की बात हो रही है खट्टर साहब की सारी अपनी प्रॉपर्टी सारी दान में दे दी हटा क्यों दिया खट्टर साहब को ये तो है वो आगे लेकर गए मोदी जी एमपी वाले क्या कहते हैं बहुत अच्छी जगह है अच्छी जगह बहुत मजा आया शिवराज जी केंद्र में जाएंगे अब जाना तो पड़ेगा कहाँ से हैं मेरठ से मेरठ वाले अरे आपके यहाँ तो भगवान श्री राम कहे जाने वाले अरुण गोविल लड़ रहे हैं राजेंद्र अग्रवाल को जय श्री राम तीन बार मौका दिया बहुत अच्छा काम किया उन्होंने तो अब वही पार्टी को नई जरूरत है लोगों को चेंज करने की चेहरे की ये लेकिन ये सितारे जमीन पर आते हैं स्टार कैंडिडेट तो होते हैं हमें तो मोदी जी का बात देखना है मोदी जी का देखना उनके नाम पर एक घोड़ा गधा भी खड़ा कर दीजिए तो भी हम लोग वोट देके हर हर गंगे मोदी सरकार आप कहाँ से हैं कोलकाता से बहुत गर्मी लेके आई हैं बिल्कुल वहाँ तो गर्मी ऑलरेडी पड़ चुका है ममता दीदी बड़ी गर्मी की हुई है वहाँ पे वो वैसे तो है ही सभी के जुबान पर वही है मोदी जी वही है में तो दीदी बहुत वो दीदी है तो क्या हुआ पर इन्हीं का सब है बोलबाला और दीदी को प्रधानमंत्री बना दे तो ना और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे तो जी नहीं नीतीश को नहीं हमारे लिए तो अभी मोदी जी हैं जौनपुर से अखिलेश को सपोर्ट करते हैं जौनपुर से क्योंकि हमारा क्षेत्र मलनी है और मलनी क्षेत्र में सिर्फ सपा अरे धनंजय सिंह वाले क्षेत्र से आती हैं हमारे यहाँ धनंजय सिंह या लकी यादव ये बात है बाकी योगी जी और मोदी जी भी ठीक लगते हैं मोदी जी ठीक लगते हैं बट योगी जी नहीं मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं उनका जो है सही है राहुल गांधी उनका विकल्प जिसका साथ अखिलेश दे रहे हैं राहुल गांधी का विकल्प जो है वो समझ में नहीं आता हमारे हमें अखिलेश यूपी में समझ में आते हैं केंद्र में कौन चाहिए बस जो चल रही है गवर्नमेंट वो बस भला करे सबका तो वही चलेगी कोलकाता वाला भला करेंगे साथ देंगे मोदी जी का अब लोग तो सबका साथ देना चाहते जो उनके बारे में सोचेंगे वो उनके बारे लोग भी उनके बारे में सोचेंगे ठीक चल रहा है खेल खिलौना हाँ खिलौना चल रहा है थोड़ा मध्यम है किसका डंका बाजेगा बाजेगा तो वही उन्हीं का बाजेगा और किसका बाजेगा क्योंकि नजर उठा के लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि कुछ काम किए हैं उसके बाद महंगाई की थी भाई बात अलग है महंगाई सस्ताई तो होता रहता है अच्छा ये बताइए कि बनारसी भैया लोग क्या कह रहे हैं ये बगलिया में जो मऊ के विधायक रहे मुख्तार की जेल में मौत हुई उस मामले में सियासत हो रही है और कह रहे हैं कि मुसलमानों बड़ी नाराजगी है ऐसा है क्या उसमें कौन क्या कहेगा लेकिन ये हम जानते हैं जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा उसके लेके पीछे इशू बनाइए तो बहुत कुछ है नहीं है तो कुछ नहीं है कहे जो मुसलमान नाराज है उसका क्या भाई सोचने के अपनी अपनी तरीका अलग है कोई मामला नहीं है मैं ना एक नंबर का काम हो रहा है मोदी जी सांसद थे रहेंगे ये मुख्तार का जो था जैसा कर्म था वैसा भोगे हूं। मुस्लिम तबका है नाराज उसका क्या कीजिएगा मैंने पहले बोला मैम समाज और मैंने बोला गरीब और अन्याय मैं उसमें ना धर्म देखूंगा ना जाति देखूंगा ना रंग देखूंगा ना पैसा देखूंगा चांदनी चौक यहाँ कौन बनारस चांदनी चौक कहीं नहीं अपना गड़लिया चौक बहुत मस्त क्या बात है ये दिल्ली से आवाज आ रही है मणिपुर से आए हम अरे बाप रे
काशी घूमने आए थे, दर्शन हो गए, शाम को निकल जाएंगे। आपके मणिपुर का हाल क्या है? वहाँ के लोग तो गर्मी आए हुए हैं। और ये गर्मी कहाँ निकलेगी? अब तो कुछ कह नहीं सकते। राहुल जी तो आए थे, राहुल जी अभी हाल फिलहाल आए थे, उनके भारत जोड़ो यात्रा उनसे स्टार्ट हुआ। फायदा होगा लगता तो नहीं है, हम तो मोदी जी के ही सपोर्टर है भाई, अब जो भी कह लीजिए। मोदी के गवर्नमेंट अच्छे हैं, बहुत डेवलपमेंट। कहाँ से हैं आप? मैं हैदराबाद से आए हैं। वहाँ ओवैसी हैं? ओवैसी भैया असदुद्दीन ओवैसी? नो, फालतू वाले हैं वो। बहुत फालतू वाले हैं वो। हम यही कहेंगे, मोदी जी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का नाम विदेश में भी फैला है, बनारस की वजह से इतना काम हुआ है, सही है क्या? केजरीवाल साहब जेल में है, ठीक है कि गलत है? डर लग रहा है पानी का बिल ना आ जाए। केजरीवाल साहब के साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों सर? मुफ्त में क्या मिलता है? कुछ मिलता है? और मिले भी तो उसकी कदर नहीं है। पसीना भी मुफ्त में नहीं आता, उसके लिए भी आपको खड़ा होना पड़ता है धूप में, तो मुफ्त में क्या मिलेगा? जो उसको डिजर्व करता था वही मिला। सही बात है ये, बिल्कुल सही। वो तो सही सही पानी और फ्री पानी फ्री बिजली दी आप। तो पूरी कैबिनेट ने जाना है। बीजेपी होना चाहिए, जब हमारे धर्म को हमारे मंदिरों को आगे बढ़ा रहे हैं तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे हम हमेशा से ही। कहाँ से हैं आप? हरियाणा गुड़गांव। हरियाणा गुड़गांव, बगल में केजरीवाल जेल में है। होने दो ना, जब गलत काम करेंगे तो जेल भी होगी। मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन, ये जो चीज फ्री में होगी वो उसकी कदर नहीं होगी। मैं बिहार से हूँ, पटना से यहाँ आया हूँ आज विश्वनाथ मंदिर। तो जहाँ तक योगी जी का बात है, उनको उनके जैसा हर एक राज्य को सीएम चाहिए। और कोई विकल्प दिखता है? ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। बनारस में नहीं, भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि राहुल गांधी इस बार आगे आ रहे हैं। इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में जो होगा तो देंगे वोटवा जिसको देना है। किसको देंगे वोटवा? वो जाएगा जिसको करके जाएगा। तो भाई बनारस वालों ने बता दिया कि भाई मूड मिजाज क्या है, सीधा सीधा ना सही, घुमा के ही सही है। सदन भैया बनारसी सीधा बात नहीं करता है? भाई सीधे साधे लोग हैं, थोड़ा खाना बनारस बसना कहते हैं, अपने ही राय अपनी बातें रख दी हैं। ऋषि का सफर बस इतना ही। कैमरे के पीछे प्रवीण दीक्षित, मैं श्रीलता, फिर मिलेंगे RRR में किसी नए सफर पर।